अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं पोटैटो सैंडविच। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्रेड चाहिए। जितने आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड लेंगे। दो अदद हमने पोटैटोज़ लेके इनको बॉईल कर लिया है। एक अदद इसमें कटा हुआ प्याज इस्तेमाल करेंगे। नमक हाफ टी स्पून, साथ हम यहाँ पर लेंगे गर्म मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, टोमेटो केचप आपको जितना चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हम लेंगे एक अदद हरी मिर्च जिसको बारीक कट कर लेंगे। साथ हम लेंगे बंद गोभी, ये मेरे पास है हाफ कप। लाल मिर्च पाउडर हम लेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा चाट मसाला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून। सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, साथ हम ऐड कर देंगे नमक और साथ हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से इनको मैश कर लें और सारी चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने कंबाइन कर लिया है। अब हम इसे करेंगे साइड पे और अब हम यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे। सबसे पहले जो ब्रेड है इसके ऊपर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। अच्छे तरीके से आपने टोमेटो केचप फैला लेना है। टोमेटो केचप ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है, ये आप अच्छी तरह से लगा लें। अब हम यहाँ पर हल्की सी बंद गोभी ऐड कर देंगे। अगर आपको बंद गोभी पसंद नहीं है तो आप बेशक इसे रहने दें। थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करके यहाँ पे अब हम चाट मसाला ऐड कर देंगे और यहाँ पर अब हम एक और ब्रेड लेंगे, इस पर भी हम टोमेटो केचप अप्लाई करेंगे। अब हम इस ब्रेड को जो हमने पहले ब्रेड तैयार की थी इसके ऊपर कवर कर देंगे। इसको अब हम करेंगे साइड पे, जो बाकी हैं उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर, इसको मेल्ट कर लेंगे। अब जो हमने सैंडविच तैयार किए हैं ये हम एक एक करके इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। एक साइड से कुक करने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। दोनों साइड से ये कुक होके तैयार हो चुका है, बाकी जो है उनको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। फाइनली पोटैटो सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हमने कट भी कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our